हिमाचल प्रदेश में दूर दूर से लोग यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को देखने आते हैं। यह खूबसूरती और हरियाली बनी रहे इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है एक बूटा बेटी के नाम। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाली सभी बेटियों के परिवार वालों को 5-5 पौधे दिए जा रहे हैं। आखिर इस योजना का उद्देश्य क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस योजना का उद्देश्य है राज्य को हरा भरा रखना एवं बेटियों को सम्मान देना, ताकि राज्य में जो प्रकृति का सौंदर्य है वह ऐसे ही बना रहे और वो भी बेटियों के नाम से। आपको बता दें कि इस योजना में लाभार्थी परिवार वे होंगे जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और जिनके घरों में बेटी हुई है या आने वाले समय में होगी। इस योजना में नवजात बालिकाओं के परिवार वालों को राज्य सरकार के वन विभाग की ओर से 5-5 पौधे प्रदान किए जा रहे हैं। वही इस योजना में लाभार्थी परिवार को पौधों के अलावा एक किट भी प्रदान की जाएगी। इस किट में 5 ट्री गार्ड, 20 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट, टेम्पलेट एवं बालिका के नाम की नेम प्लेट जैसी चीजें होती हैं। इस योजना में दी जाने वाली एक किट और पौधे का खर्च पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा उठाया जाता है। इस योजना में वन विभाग के अधिकारियों को सबसे पहले यह कार्य दिया गया है कि वह अपने संबंधित क्षेत्र की पंचायत या नगर निकाय कार्यालय के क्षेत्र में पैदा होने वाली बेटियों की जानकारी इकट्ठा करें और सूची के आधार पर लाभार्थी परिवार को पौधे वितरित करें। हालांकि वन विभाग के पास इस चीज का पूरा ब्यौरा रहता है कि लाभार्थी परिवार को पौधे दिए गए हैं या नहीं और उन्होंने पौधे लगाए हैं या नहीं और पौधे किस स्थान पर लगाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार पौधे बरसात या सर्दी के समय में लगाएंगे, क्योंकि पौधे लगाने के लिए यह समय बहुत ही बेहतर होता है। एक बूटा बेटी के नाम योजना के माध्यम से राज्य सरकार पर्यावरण को बढ़ावा दे रही है, ताकि राज्य में हरियाली बनी रहे और इससे जनजीवन भी सुरक्षित रहे। उम्मीद है इस योजना से ज्यादा लोग जुड़े और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाएं। कन्या भ्रूण हत्या को जड़ से खत्म करने के साथ प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग ने कमर कसते हुए एक बूटा बेटी के नाम योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। योजना के तहत जिला हमीरपुर की सभी ग्राम पंचायतों में कन्या होने पर परिवार के द्वारा 5-5 पौधे रोपित किए जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। साथ ही इन पौधों की देखभाल भी कन्या की तरह उनके माता पिता द्वारा की जाएगी। प्रदेश सरकार के पर्यावरण को बचाने के लिए एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत हमीरपुर जिला में बेहतर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत जहां जहां परिवार में कन्याएं पैदा हो रही हैं, उस परिवार को 5 पौधे देने के साथ बंबू गार्ड, 10 किलो खाद का पैकेट के अलावा पौधों में अर्जुन, आंवला, हरड़, बेहड़ा, गुलमोहर का पौधा दिया जा रहा है। वहीं लोगों में भी इस योजना की शुरुआत के लिए सरकार का धन्यवाद किया है, क्योंकि कन्याओं के जन्म होने पर पौधे लगाए जा रहे हैं, जो कि वन विभाग और प्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल है। एक बूटा एक बेटी के नाम जो सरकार ने जो योजना चलाई है, बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के तहत जो है, जो ग्रामीण लड़कियां हैं या चाहे शहरी लड़कियां हैं, अगर उनके नाम पर पौधा लगाया जाएगा तो बहुत ही अच्छा काम होगा। इससे एक तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ओर जो बेटियां पैदा हो रही हैं उनके नाम से जो पौधे का नामकरण भी किया जाएगा तो उनको भी एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा आने वाले समय के लिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो पहल की है, इस तरह की अन्य योजना को भी चलाया जाए, जिससे जो है बेटियों को प्रोत्साहन मिले। स्कीम चलाई है एक बूटा बेटी के नाम, ये बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और हमारी पंचायत में भी जो नई बच्चों के जन्म हुए हैं अभी हाल ही में, उनके नाम पर एक बूटा लगाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी स्कीम है। वहीं वन अरण्यपाल हमीरपुर अनिल जोशी ने बताया कि हमीरपुर जिला में अब तक योजना के तहत 2500 कन्याओं के नाम पर पौधे लगाए गए हैं और यह योजना हरियाली के साथ पर्यावरण को बचाने के लिए अच्छी है, जिस पर वन विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पूरे हिमाचल को हरा भरा करना है और इसके तहत जो है कन्याओं को, उनके परिवार को एक सम्मान देना है। हरियाली को जोड़ा गया है कन्या से। अगर हमें हरियाली कहीं नज़र आए तो हमें लगे कि ये एक कन्या का एक रूप है। और 20 सितंबर से ये पूरे हिमाचल प्रदेश में योजना शुरू हुई थी। जहाँ तक हमारा हमीरपुर का सवाल है, लगभग हमने 2500 लाभार्थी इसमें चिन्हित की थी, कन्याएं चिन्हित की थी जून तक। और ये प्लांटेशन चल रहा है, जहाँ जहाँ
फील्ड में जो जो एरियाज है जहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया है वहाँ पर पूरे सम्मानीय तरीके से उस परिवार को इस अभियान में जोड़ा जा रहा है। और एक कन्या के लिए जो है 5 पौधे जो है उस परिवार के माध्यम से लगाए जा रहे हैं और वन विभाग सरकार जो है उन्हें सपोर्ट कर रही है। उसके लिए जो किट्स हैं एक जिसको कहते हैं कि प्लांट्स को जो जो उसको अच्छा ढंग से ग्रोथ करने के लिए जो जो सुविधाएं हैं उसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, उसके साथ ट्री गार्ड्स है और मिसेलेनियस जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस परिवार को दे रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर पौधों के नामकरण भी कन्याओं के नाम पर ही किए जा रहे हैं और पौधारोपण करने वाले परिवारजन भी इस योजना से खासे उत्साहित हैं और उन्होंने सरकार की इस मुहिम का स्वागत किया है।